यार कितनी बारी घर ऑर्गेनाइज करूं, मेरा घर इतना ऑर्गेनाइज क्यों नहीं रहता जैसा सबका रहता है। ऐसा लोग क्या करते हैं जो इनका घर हमेशा चकाचक रहता है, आप भी ये सोचते होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना मंथली होम ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि मेरा घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। मैं अपना घर मंथ में एक बार, चाहे वो स्टार्टिंग हो या एंड हो, मंथ में एक बार होम रीसेट ज़रूर करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना फेब्रुअरी मंथ का होम रीसेट, जो मैंने जनवरी एंड में किया था। सो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करती हूँ, बिकॉज इंस्टाग्राम पर मेरे पास काफ़ी आपके DMs आए थे कि आप अपना डेली रूटीन शेयर कीजिए। डेली रूटीन तो देखो मैं आपके साथ स्टोरीज़ में शेयर कर ही देती हूँ, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो जाओ फॉलो करो, डेली मोटिवेशन आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। बट घर को आपको हमेशा चकाचक कैसे रखना है भाई, वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। अपने कुछ सीक्रेट टिप्स भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ऐसे होम हैक्स हैं जो आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रखने वाले हैं, और इनसे आपका काम भी कम हो जाएगा। कुछ भी होम ऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू करने से पहले ना, आपके दिन के मील्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए, ब्रेकफास्ट और लंच आपका बिल्कुल टिप टॉप होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं वही काम कर रही हूँ एंड बाद में सारे काम शुरू करेंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी। वेट, आलू नहीं डालते हैं यार, आलू बहुत चीज़ों में डलते हैं। तो आज सिर्फ और सिर्फ गोभी बनाते हैं और साथ में बनाते हैं परांठे, मस्त मज़े आ जाएंगे, घर का सबसे सिंपल मील। मैं अपने घर को हमेशा ऑर्गेनाइज कैसे रखती हूँ, हर चीज़ अपनी जगह पे कैसे रखती हूँ, इस मंथली रीसेट के लिए आपको जस्ट 2 घंटे चाहिए अपने दिन के, चाहे वो आप मंथ के स्टार्टिंग में दो या एंड में दो। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्विक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम ट्विक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। आज की वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे ना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपना प्यारा सा लाइक भी वीडियो को कर दो, और कॉमेंट करके बताओ अगर आप भी कुछ इस तरीके का फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। बड़े बड़े और एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइजर्स आपको बिल्कुल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। आप इस तरीके की, जैसे आप कांच की मेरी बॉटल देख रहे हो, ये ACV की बॉटल थी जिसमें मैंने अजवाइन डाल के रखी है, और ऐसी मैंने मल्टीपल बॉटल्स अपने पास रखी हैं जिसमें कि है मेथरे, किसी में है जीरा। सो मैं इस तरीके से मल्टीपल चीज़ें यूज़ करती हूँ, और ये बहुत कम स्पेस में इसमें काफ़ी सारा सामान ये ले लेती है बॉटल। आई गेस हम सब होम मेकर्स बहुत ज़्यादा चतुर चालाक होते हैं, और हम सबको पता है कि चीज़ों का रीयूज़ कैसे करना है। बाय द वे, आज मेरे घर में सुबह ब्रेकफास्ट में बना था वेजिटेबल इडली, किस किस को पसंद है एक लाइक थम्सअप कर देना ज़रा कॉमेंट में। घर को जब रीसेट करने की बात आती है, ऑर्गेनाइज करने की बात आती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप मंथली में करते हो। उसमें ग्रॉसरी आ जाती है, आपकी होम क्लीनिंग आ जाती है, होम ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, किचन क्लीनिंग आ जाती है, बाथरूम क्लीनिंग आ जाती है, व्हाट नॉट। तो मैं जो चीज़ करती हूँ, साइड बाय साइड सब चीज़ें साफ करके, जैसे कि ये मसाला दानी है, साइड बाय साइड साफ करके इसको रख दिया है। बट साथ में अपने को भी नहीं भूलना है, मंथ में दो हफ्ते में एक बार यार मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ, बट इस हेयर ऑयल से ना मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आया है, और बेबी हेयर्स इस तरीके से बढ़ बढ़ के बाहर आए हैं कि कुछ ना वीडियोज़ में आप मुझे देखोगे कि मेरे बाल ना लिटरली सींग की तरह निकले हुए हैं। हाँ, तो जो वो कमाल है ना, वो इसी तेल का कमाल है। ये तेल मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ वीक में 1 टाइम यूज़ करूँ, बट अगर नहीं हो पा रहा, एटलीस्ट मंथ में एक बार तो करती हूँ, जब मैं अपना घर का मंथली रीसेट कर रही होती हूँ। सुनने में आपको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा और बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग भी लग रहा होगा, ओ माई गॉड मंथली होम ऑर्गेनाइजेशन, यार ये तो बहुत ज़्यादा लंबा टास्क होगा। बट ट्रस्ट मी, जस्ट 2 घंटे लगने वाले हैं और घर आपका पूरे मंथ के लिए ऑर्गेनाइज रहने वाला है। सबसे पहले मंथली रीसेट के लिए आपको ये देखना है कि आपके जो डेली टास्क हैं और मंथली टास्क हैं वो आपको अलग अलग करने हैं। डेली टास्क में अगर आप कभी बाथरूम क्लीनिंग कर रहे हो, डस्टिंग कर रहे हो, कपड़े फोल्ड कर रहे हो, वो सब आपको मंथली में नहीं करना है। मंथली में आपके बड़े बड़े टास्क आ जाते हैं जो कि आप रोज़ में नहीं कर पाते हो और आपको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ती है, जैसे कि डिश वॉशर की डीप क्लीनिंग और वॉशिंग मशीन की डी स्केलिंग। अब डिश वॉशर की डीप क्लीनिंग के लिए मैं यहाँ पे इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, बहुत अच्छी क्वांटिटी में बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, अराउंड 1 कप के करीब, एंड उसके ऊपर मैं विनेगर डालने वाली हूँ। विनेगर अराउंड 1 से 1.5 कप तक मैं डाल देती हूँ, और ये मंथ में जस्ट मैं वंस करती हूँ। वैसे बोलते हैं 15 डेज में आपको करना चाहिए, बट मैं मंथ में वंस ही करती हूँ। इस अराउंड 1.5 घंटे का ये साइकिल डिशवॉशर का होने वाला है। इतनी देर में वॉशिंग मशीन भी लगा देते हैं बिकॉज उसका साइकिल सबसे बड़ा होने वाला है। एंड दिस इज़ माय पैंट्री इन द सेंस, ये यूटिलिटी वाली पैंट्री है मेरी, जिसमें कि ग्रॉसरीज नहीं होती हैं, टॉयलेटरीज का सामान और डिशवॉशर का सामान, एक्स्ट्रा जितनी भी क्लीनिंग सप्लाईज होती हैं वो सब यहाँ पर होती हैं। साथ ही साथ मैं ये चेक भी करती जा रही हूँ कि अगर मुझे कुछ और ऑर्डर भी करना है
कमिंग मंथ के लिए तो मैं ऑर्डर कर दूं, बट थैंक गॉड इस मंथ की मेरी कोई भी शॉपिंग नहीं है, ना ग्रोसरी में शॉपिंग है और ना ही इस यूटिलिटी में शॉपिंग है. आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड यार. जिस मंथ शॉपिंग नहीं होती है ना, आई एम सुपर डुपर हैप्पी. तो मैंने यहाँ पे डी स्केलिंग पाउडर निकाल लिया है, ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा. जितने परचेज लिंक्स हैं या प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. और यह हमारी गोभी तैयार हो रही है. डी स्केलिंग पाउडर से आपका बस ये होगा, जो आपकी वाइट स्केलिंग मशीन के अंदर जम जाती है वो क्लियर आउट होती रहेगी और आपकी मशीन अच्छे से काम करेगी. फ्रंट लोड मशीन है तो ये डेफिनेटली किया करो, मंथ में एटलीस्ट वंस तो किया ही करो. सो मैं इसको एक तो रबड़ वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे भी डालने वाली हूँ, और अंदर टब में डाल के इसका जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट साइकिल होता है ना, कई मशीन्स में मशीन क्लीन का ऑप्शन भी आता है, अगर वो है तो आप वो यूज़ करो. अदरवाइज़ जो आपकी मशीन में सबसे लॉन्गेस्ट साइकिल है, जैसे मेरे में कॉटन है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ जो कि 2.25 घंटे का साइकिल है. एंड उसके बाद बस इन दोनों मशीन को छोड़ दो और बाकी अपना काम करते रहो. ये मेरी यूटिलिटी कैडी है, और ये जो डब्बा है ये इस सैमसंग की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के जो डोर लॉक्स होते हैं, नॉट डोर लॉक्स बट ड्रम लॉक्स जो होते हैं, ये वो है, शिफ्टिंग के टाइम काम आएगी. आगे बताती चलूँगी है क्या चीज़, आगे वीडियोस में आपको पता चलता रहेगा. सो इस जो कैडी में है ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, क्लीनिंग सप्लाईज है, वॉशिंग से रिलेटेड है, कपड़े वॉशिंग से, और कुछ कुछ है जो कि मेरे डिश वॉशर में काम आती हैं चीज़ें. ज़्यादा मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आप देखोगे तो नहीं रखी हुई हैं, कोई मैंने बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स क्लीनिंग के यूटेंसिल्स, गैजेट्स, नॉट यूटेंसिल्स बट या गैजेट्स या फिर स्प्रेज, कुछ इस तरीके के मैंने हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं रखे हुए हैं. और इस तरीके से देखो मैंने सब चीज़ें लेबल करके अपनी रखी हुई हैं बड़े अच्छे से ना. ये सब जैम की बॉटल्स हैं अगर आप ध्यान से देखोगे, बट इनको मैंने इनका कवर चेंज कर दिया. किस तरीके से किया वो भी आपको एक किचन मेकओवर में पता चलेगा. और अगर आपके पास इस तरीके की ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की सीजनिंग की बॉटल्स हैं ना, गलती से भी डिश वॉशर में मत डाल देना. ये मेरे पास एक इनो की कांच की बॉटल थी, अब तो प्लास्टिक की पैकेजिंग आ रही है बट पहले कांच की आती थी ना, तो ये वही वाली कांच की बॉटल है. उस पर मैंने ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का ढक्कन लगा दिया जो कि अब इतना टाइट होके अंदर घुस ही गया कि निकल नहीं रहा है. तो कुछ टाइम के बाद दोबारा से इसमें जान लगाऊंगी, तब तक के लिए ये यहीं अटका हुआ है. और इसमें मैं सोच रही थी इलायची पाउडर डालने का, अदरवाइज इसका माउथ काफ़ी ब्रॉड है, वो वैसे भी डल जाएगा और धुल भी जाएगा. अभी जो मंथली होम ऑर्गेनाइजेशन और किचन ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसके लिए मैं क्लीनिंग अपने पास ज़्यादा काम नहीं रखती हूँ, अरेंजिंग का ज़्यादा काम रखती हूँ. अब जैसे कि ये हो गया कि मेरे पास एक डब्बा था जिसमें ये किनोहा है, बहुत ही कम क्वांटिटी में रह गया, तो इसको मैं छोटे डब्बे में शिफ्ट करके इस पर लेबल लगा के रख दूंगी. लेबलिंग अपनी किचन में करके रखो, अगर आपके किचन में मल्टीपल हैंड्स लगते रहते हैं ना तो फिर लेबलिंग इज़ द बेस्ट थिंग. बार बार कोई ना आपके पास आके नहीं पूछेगा कि इसमें क्या है, ये क्या चीज़ है, वो चीज़ कहाँ पड़ी है, तो जो है सामने है सबको दिख जाएगा. साथ ही में जो डब्बे मेरे बंद पड़े हैं ना, जैसे कि ये मेरे ट्रैवल एसेंशियल्स हैं, जो मेरे पास कॉफ़ी के सैशेज़ हैं, मैं कॉफ़ी के जार्स नहीं लेती हूँ, सैशेज़ इज़ द बेस्ट कि ज़रा सा खुलता है जब यूज़ हो जाता है ख़त्म हो जाता है. जार में क्या होता है ना, एक बार ही खुलता है और एयर टाइट नहीं होता है, तो उसमें हवा जा जाके वो कॉफ़ी सॉलिडिफाई हो जाती है, पत्थर बन जाती है, ख़राब हो जाती है. तो मैं इस तरीके के सैशेज़ लेती हूँ, उनको मैं इस तरीके के ग्लास जार में डाल रही हूँ, सो दैट सब कुछ विजिबल रहे. और ये मेरे ट्रैवल एसेंशियल्स हैं. आपने अभी तक मेरा ट्रैवल चैनल चेक नहीं किया तो आपको पता नहीं है कि मैं कितनी हार्ड कोर ट्रैवलर हूँ, कि मैं गाड़ी में चलते चलते भी अपना कुछ खाना वाना बना सकती हूँ. मैं उस तरीके की हार्ड कोर ट्रैवलर हूँ. तो रोड ट्रिप्स तो भाई मेरी जान है, रोड ट्रिप्स और कुकिंग ड्यूरिंग द रोड ट्रिप्स, मज़े आते हैं जस्ट मुझे. इसी तरीके से मैं सब कुछ लेबल करती जा रही हूँ, और ये लेबल्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि अगर आपने इन पर वाइट मार्कर से कुछ लिख भी दिया है, व्हाइट पेंसिल से अगर कुछ लिख भी दिया है ना, तो वो ईजिली रब हो जाएंगे, जैसे कि बच्चे पेंसिल रब करते हैं वैसे ही. काफ़ी टाइम के बाद मैं ये काम कर रही हूँ तो मुझे भी अजीब लग रहा था. सो यहाँ पे मैं सब चीज़ें लेबल कर रही हूँ, बट मुझे ना इन लेबल्स का थोड़ा सा साइज़ छोटा लगा. मैं अगर कैमोमिल टी लिख रही हूँ तो वो भी पूरा नहीं आ रहा है. सो इस तरीके से मुझे थोड़े से लेबल्स का साइज़ छोटा लगा, बट जो इनका फॉर्मेट है और जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा लगा. किचन के लिए क्लीन एज यू गो, जहाँ जहाँ से जा रहे हो जो चीज़ें उठा रहे हो साथ की साथ उठाते चलो और उसको संभालते चलो, साफ़ करते चलो. भाई किचन का तो यही मंत्र है, अदर पूरे घर को साफ़ करने का यही मंत्र है. जहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ वहाँ देखते रहो. अब मैं चेक कर रही हूँ अपनी पैंट्री, मुझे अपनी पैंट्री में क्या क्या देखना है, कुछ मंगाना है नहीं मंगाना है. तो इस मंथ के लिए मेरी तो भाई कुछ भी शॉपिंग नहीं है, एक्चुअली पैंट्री ग्रॉसरी कोई भी शॉपिंग नहीं है. सो यहाँ पे जो सामान पड़ा है इस बेसिकली आप देख रहे हो काफ़ी कुछ तो लेबल्ड है, काफ़ी कुछ अनलेबल्ड भी है, क्योंकि वो मुझे अभी पता नहीं है उसका मुझे करना क्या, धीरे धीरे पता चल जाएगा. यहाँ पे सब दालें पल्सेस और कुछ कुछ अगेन ब्रेकफास्ट का सामान है, बट सब कुछ लेबल्ड है आराम से और बहुत सुंदर लग रहा है ये देखने में. कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज लग रहा है, आंखों को प्लीजिंग लगता है और एकदम देखने में लगता है वाह
क्या चीज़ खोल दी है भाई। और यहाँ पे ना मैं दालें ज़्यादा स्टोर करके अंदर नहीं रखती हूँ, जितनी आपको ये जार्स में दिख रही हैं बस उतनी ही दालें हैं। सो जब दालें ख़त्म हो जाती हैं, मुझे पता है ये जार एम्प्टी हो गया, तो मुझे ये दाल मंगवानी है। इसके अलावा मेरे पास अंदर बैकअप नहीं है दालों का। सो उस तरीके से मैं अपना अंदर का जो स्टोरेज का सामान है ना, वो कम से कम रखती हूँ, और जो विजिबल सामने है बस उसी को रखती हूँ। इससे मुझे एक लिस्ट प्रिपेयर करके नहीं रखनी पड़ती है कि भाई क्या ख़त्म हो गया, अंदर से ढूंढना है, ये करना है। सब कुछ जो है सामने है, वो डब्बा ख़त्म हो गया मतलब कि वो आपको रीफिल करना है, दोबारा रीऑर्डर करना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने कोई भी फैंसी ऑर्गेनाइजर्स नहीं यूज़ करे, कोई प्लास्टिक के ऑर्गेनाइजर्स नहीं है, कुछ नहीं है, पेपर बैग्स के ऑर्गेनाइजर्स बनाए हुए हैं और वही सब मैं स्टोरेज में यूज़ करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे है रेड लेबल का एक बड़ी सी, ये जो आपका फैमिली पैक आता है वो वाली चाय की पत्ती की है। इसमें मेरे पास पोहा पड़ा है 2 पैकेट, जो कि मंथ का जितना भी आपकी ग्रॉसरी होती है ना, बस उतना ही मैं रखती हूँ। सो एक मंथ में अगर मेरे 2 पैकेट लगने हैं, 3 पैकेट लगने हैं, बस उतना ही होगा। और एक जो पैकेट होगा वो ऊपर डब्बे में रीफिल होगा, और अगर वो ख़त्म हो गया तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ नीचे से निकालना है। इस डब्बे में कुछ पल्सेस पड़े हैं जो कि गलती से रीऑर्डर हो गए थे, जो कि पता नहीं था कि घर पर पड़े हैं बट रीऑर्डर हो गए, तो वो मैंने इस डब्बे में डाले हुए हैं। फॉर्चुनेटली छोटा डब्बा है तो मुझे पता रहेगा कि हाँ इस डब्बे में ये चीज़ है, तो मैं पहले ऑर्डर करने से पहले इसको चेक ज़रूर करूँगी, ताकि मुझे दोबारा से इसको रीफिल करके ना रखना पड़े और ये डब्बा बिल्कुल पैक ही रहे, खाली हो जाए, एम्प्टी ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। चीज़ें ज़्यादा भरी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ उनको फिर ध्यान देने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने घर को मेंटेन करने की ज़रूरत है। इसे कहते हैं फंक्शनैलिटी, जो कि ईजी टू मेंटेन है और हाई मेंटेनेंस भी नहीं है। मैंने कोई एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइजर्स नहीं परचेज़ किए हैं, सब कुछ DIY ऑर्गेनाइजर्स किए हुए हैं, जो कि मुझे अगर शिफ्ट भी करना हो यहाँ से, मैं जस्ट ये पेपर बैग्स उठा के फेंक सकती हूँ और दोबारा से अपने ये ऑर्गेनाइजर्स क्रिएट कर सकती हूँ। घर का सबसे बड़ा काम जो होता है किचन का, वो हमने टैकल कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट बाथरूम में। बाथरूम की जो डीप क्लीनिंग होती है ना भाई, सबसे ज़्यादा सिर खपाने वाली चीज़ होती है। सो अगर आपके बाथरूम को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है और आपकी टाइल्स पर साफ़ सुथरी हैं, आप क्या करो, प्योर विनेगर जो आपका वाइट विनेगर होता है वो लो, टाइल्स पे छिड़क दो, स्प्रे कर दो, और इस तरीके से छोटे से वाइपर में माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही लेना, उसको लेके इस तरीके से आप वाइप डाउन कर दो। आपकी टाइलें इस तरीके की चमकेंगी, आप अभी मेरी रिफ्लेक्शन इस टाइल में देखोगे कितने अच्छे से रिफ्लेक्शन आ रही है, ऐसा शीशे जैसी टाइल ये चमक रही है और पूरी ये स्पार्कलिंग क्लीन हो जाती है, एक भी दाग नहीं छूटता। ये देखो मेरी रिफ्लेक्शन आ रही है इसमें। सेम चीज़ आप अपने शीशों के साथ भी कर सकते हो। विनेगर में आपको कुछ भी डाइल्यूट नहीं करना है, विनेगर को स्प्रे बॉटल में लेके आप बस स्प्रे कर दो। इससे जो आपका एक तो बैड ऑडर होगा अगर बाथरूम में है कुछ, तो वो भी सैनिटाइज हो जाएगा, जर्म फ्री हो जाएगा और आपके बाथरूम बहुत अच्छे से चमचमाने लगेगा। लिटरली टेक माई वर्ड्स, एक बारी करके देखना। थोड़ी सी विनेगर में एक स्टिंजी स्मेल होती है, अगर आपको वो अच्छी नहीं लगती है आप इसमें एसेंशियल ऑयल मिक्स कर सकते हो, बट मैं प्लेन विनेगर यूज़ करती हूँ और इस तरीके से चीज़ें चमकने लग जाती है ना टाइल्स, जैसे कि आपने अभी अभी प्रोफेशनल क्लीनर्स को बुलवा के अपनी चीज़ें साफ़ करवाई हैं। सेम चीज़ आप एक माइक्रोफाइबर के क्लॉथ पर लेके अपने टैप्स पर भी कर सकते हो, बिल्कुल न्यू की तरह वो स्पार्कलिंग क्लीन हो जाएंगे। ये है मेरे बाथरूम सप्लाइज। तो जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ होनी चाहिए ना डेजिग्नेटेड, वो चीज़ें मैंने वहाँ रखी हुई हैं। जैसे ये मेरे मंथ की बाथरूम सप्लाइज हैं, एक्चुअली काफ़ी सारी हैं, तो मैंने इनको ड्रेसिंग टेबल में से निकाल के ना सब कुछ यहीं पर रख दिया है, सो दैट मुझे पता हो अगर कोई चीज़ ख़त्म होनी है, शैम्पू ख़त्म होने, कंडीशनर ख़त्म होने, वो सब यहीं पर ही है। बॉडी लोशन है, बॉडी ऑयल है, बॉडी शैम्पू है, हेयर मास्क है, सब कुछ यहीं पर है, इवन टॉयलेट रोल्स भी यहीं पर हैं। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ ख़त्म होती है ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर इस स्टैंड पे वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब वो घर पे है ही नहीं, राइट? तो इतना सिंपल मैंने उस चीज़ को कर रखा है, मैंने और कोई स्टोरेज बनाई ही नहीं है इस चीज़ की। पहले होता था कि ये मैंने ड्रेसिंग टेबल में चीज़ें रख रखी थी, अब जैसे ये कॉटन वाइप्स आप ले लो, मैंने कुछ कॉटन यहाँ रखी हुई थी, कुछ कॉटन दूसरे जगह पे थी, कुछ कॉटन तीसरी जगह पे थी, कुछ जो फेस वाइप्स होते हैं वो कुछ जगह थे, सब कुछ मैंने एक ही जगह ला के रख दिया, सो देट मुझे हर जगह भटकना ना पड़े। कभी कभी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है, राइट? तो वो चीज़ मैंने हटा के सब कुछ एक सिंप्लीफाई चीज़ कर दी और अपने घर को बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया। अब जैसे कि ये वाओ का फेस एंड बॉडी स्क्रब है या फिर फेस पैक है, जो कि अभी सितंबर में एक्सपायर होने वाला है इस ईयर। मेरी इस पर नज़र पड़ी, छोटी सी ट्यूब है, थैंक गॉड। सो ये हो सकता है कि 1 महीने में ख़त्म हो जाए, तो मैंने इसको यहाँ सामने रख दिया है कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए मेरी और चीज़ ख़राब ना हो, एक्सपायर होने से पहले मैं यूज़ कर लूँ। सेम चीज़ ये कोकोनट ऑयल के साथ थी, जो कि 2024 में एक्सपायर होनी थी बट वो यूज़ नहीं हो रहा था, तो इस विंटर मैंने इसको निकाल के अपने सामने ही रख दिया, नाउ एज अ बॉडी ऑयल आई एम यूजिंग इट।
अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे डेली एसेंशियल्स हैं। एक छोटा सा फेस वॉश है, एक कंडीशनर है, दो शैम्पूज हैं, जिसमें पर्पल वाला जो OGX का शैम्पू है वो मेरा है, और जो लॉरियल का है वो मेरे हस्बैंड यूज़ कर रहे हैं। इतनी सिंपल चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, ज़्यादा उसको क्लस्टर नहीं किया, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं रखे हुए हैं, वही प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जो हम लोगों को सूट करते हैं और हम बार बार रीपरचेज करते हैं। यहाँ की टाइल्स और ये सब क्लीन करते हुए मुझे याद आया कि यहाँ पे मैंने बॉडी शैम्पू ऐड नहीं किया है, जो कि जस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ है। तो मैंने बॉडी शॉप का सैत्सुमा वेरियंट जो होता है ऑरेंज वाला, वो मैंने यहाँ पे ऐड किया। बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है, अगर आपने नहीं ट्राई किया उसको ट्राई करो, बहुत रिफ्रेशिंग रिलैक्सिंग फ्रेगनेंस है, एकदम से एनर्जाइज कर देती है आपको जब आप नहा के निकलते हो इसमें से। अब मैं देख रही हूँ अपने घर को एक बारी दोबारा से वॉक अराउंड ले रही हूँ, और जो चीज़ अगर कहीं बिखरी हुई है मैं उसको उठाने वाली हूँ। रिमेंबर, मंथली रीसेट जो आपका होता है उसमें आपको क्लीनिंग नहीं करनी है, जो आप डेली क्लीनिंग करते हो, डस्टिंग वगैरह वो सब नहीं करनी है, बट आपको वो टास्क हैंडल करने हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग टास्क होते हैं, और आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ग्रोसरी, पैंट्री, बाथरूम और किचन की आपको अरेंजमेंट जो करनी होती है। अब यहाँ पर मैं अपने फर्स्ट बाथरूम में जा रही हूँ, जो कि मेरा एज अ स्टोर काम करता है, आपको पता ही होगा, आपने वीडियोज़ में देखा है। तो यहाँ पर ये वाला बॉक्स मुझे अभी शिफ्टिंग के टाइम काम आएगा, और यहाँ पर वो शूज़ हैं जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो ज़्यादा पेयर्स नहीं हैं, 3-4 पेयर्स मेरे हस्बैंड के हैं, 3-4 पेयर्स मेरे हैं। बस इस तरीके से छोटे से स्पेस में भी आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो, अगर आप उनको ढंग से रखो। और ये रेड बॉक्स तो आप पहचानते ही होगी, डी क्लचरिंग का ब्रह्मास सीरीज से चलता हुआ आ रहा है। जो चीज़ मुझे लगता है ना मैं बहुत टाइम से यूज़ नहीं कर रही हूँ, वो मैं सीधा आके इसमें ड्रॉप कर देती हूँ, और कुछ टाइम के बाद आई जस्ट गेट रेड ऑफ इट, डोनेट कर देती हूँ या सेल ऑफ कर देती हूँ। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, एक हैंड वॉश है और एक टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र है, बस इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं। और इतनी ही देर में आपको याद होगा ये जो मशीन का साइकिल चला था, 2 घंटे का साइकिल था, 2 घंटे में हमने अपना पूरा घर रीसेट कर लिया है गाइज, नए महीने के लिए, नया महीना वेलकम करने के लिए, नई एनर्जी के साथ वेलकम करने के लिए हमने अपना पूरा मंथली होम ऑर्गेनाइजेशन कर लिया है, फॉर अ ऑर्गेनाइज्ड होम, जो कि हमारा मंथ रीसेट कर देता है। अब बताओ घर हमेशा रहेगा ना ऑर्गेनाइज्ड अगर इस तरीके से फॉलो करोगे। डिशवॉशर का भी साइकिल कंप्लीट हो गया, जो कि 1.5 घंटे का था, बट अभी गर्म है बिकॉज इसमें भाप वगैरह निकल गया, तो थोड़ी देर इसका विंडो में ओपन, डोर ओपन करके रखने वाली हूँ, नॉट विंडो बट डोर ओपन करने वाली हूँ, और थोड़ा सा जो उसको क्लीनिंग की ज़रूरत है वो वाइप ऑफ कर रही हूँ। अब आप बोलोगे आपने पैंट्री तो दिखा दी, आपके फ्रेश प्रोड्यूस एक्चुअल ग्रोसरी खाएं। भाई मैं अपने घर में ज़्यादा ग्रोसरी स्टोर करके नहीं रखती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की मेरे पास ग्रोसरी होती है, एंड उसके बाद मैं दोबारा से ऑर्डर कर देती हूँ। फ्रेश वेजिटेबल्स मेरे घर में रोज़ आती हैं, तो उस तरीके से मैं ज़्यादा घर पे चीज़ें स्टोर करके नहीं रखती हूँ, इस हिसाब से मेरा फ्रिज भी ज़्यादा भरा हुआ नहीं होता है, और मेरे को ज़्यादा चीज़ें स्टोर करके संभाल के नहीं रखनी पड़ती हैं। इस तरीके से मेरी लाइफ इजी रहती है, मेरी किचन भी इजी रहती है। चलो थोड़ा खाना खा लेते हैं, गोभी बनी है, परांठे बनाते हैं, मस्त गर्मा गर्म घर का खाना खाते हैं। गोभी परांठे इज़ समथिंग यार जो कि सबसे ज़्यादा दी बेस्ट चीज़ लगती है, एंड इसमें आज मैंने आलू नहीं डाला है। लंच करने के बाद अभी अभी डिशवॉशर तो हमने डीप क्लीन कर दिया था, सैनिटाइज हो गया था, क्लीनिंग भी हो गई थी, डीस्केलिंग हो गई थी इसकी, तो अब हम डिशवॉशर का लोड लगा देते हैं, जो कि एक्चुअली में एक लोड लगता है मुझे कभी कभी, इसीलिए मैं अपने हस्बैंड की भी हेल्प लेती हूँ इसमें, कभी कभी उनको बोल देती हूँ कि यार डिशवॉशर लोड कर दो, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा लोड है ये तो मैं इस तरीके से करती हूँ। डिशवॉशर में कुछ ऐसे बर्तन होते हैं आपके, जैसे चाय का बर्तन हो गया, या फिर जो आपकी ज़्यादा डीप फ्राइंग वाली चीज़ें हो गई ना, उनको आपको थोड़ा सा घिस के डालना पड़ता है, चाहे आप उन पर सोप मत लगाओ, बट एक स्टील के जूने से उनको एक बार घिस के डाल दोगे ना, तो डिशवॉशर अपना काम कर देगा, साफ कर देगा। तो मुझे ये लगता है कि भाई ढेर सारे बर्तन धोने से अच्छा है 3-4 बर्तन डोंगे जो होते हैं या फिर कढ़ाई जो होती है वो धो के आप रख दो तो ज़्यादा बेटर है, और मेड से तो यार बेटर ही है, एटलीस्ट आप कोई कंटेमिनेशन वाली चीज़ कंज्यूम नहीं कर रहे हो। डिशवॉशर हो गया हमारा लोड, फाइनली ये वाला लोड भी ख़त्म हो गया, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ा लोड होता है घर में और मंथली रीसेट में मैं सबसे बड़ा एक और लोड अपना हैंडल करती हूँ, जो कि होता है कपड़ों का। मेरे लिए कपड़े डीक्लटर करना सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है, जितनी मेरे हस्बैंड के लिए ईजी चीज़ है उतनी ही मेरे लिए डिफ़िकल्ट चीज़ है। सो इस बारी मैंने ठान लिया भाई मैं 1 साल तक शॉपिंग नहीं करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू यूज़ व्हाटएवर आई हैव, और उनको मैं अंदर से बाहर निकाल के
अच्छे से घिस के ना उनको डोनेट कर दूंगी। आई मीन घिसने की जरूरत नहीं है, अगर आपको नहीं भी पहनना तो आप आगे दे दो, किसी को, मेड को दे दो, उसके बच्चों को दे दो, जिसको भी देने हैं दे दो, बट अपने पास स्टोर करके मत रखो। ये वाला जो आप बैग देख रहे हो, इस बैग में सारे वो वाले सूट इंडियन वेयर्स हैं जो कि मैं बाहर पहनती हूँ, घर में रेगुलर नहीं पहनती, तो इतना सारा पाइलअप है ये। और मैंने अब डिसाइड किया कि मैं कुछ खरीदने नहीं वाली हूँ, ये देख रहे हो, सोच रही हूँ मैं, तो मैं देख रही हूँ कि भाई ये सब मुझे अब यूज़ करना है और मुझे कुछ और चीज़ खरीदनी नहीं है। एंड इसी के साथ साथ आई एम वेरी प्राउड कि आज मैंने अपना इतना सारे कपड़े डीक्लटर करे हैं। एक्चुअली मैं निकाले हैं कि मेरे तीन जो प्लास्टिक के बड़े बॉक्सेस होते हैं जो मेरी अलमीरा में स्पेस ले रहे थे, वो खाली हो गए हैं। एंड आई नो नाउ कि भाई मुझे क्या करना है आगे। कपड़ों को डीक्लटर करना ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ जो कि मैंने इस वाले मंथली रीसेट में करी है। आपको ये मंथली रीसेट की वीडियो पसंद आई है, कुछ नया मैंने ट्राई किया है, होप आपके लिए भी इंस्पायरिंग रहा हो, मोटिवेशनल रहा हो, जिससे कि आप भी अपना घर हमेशा ऑर्गेनाइज करके रख सको। आई होप आपको इससे इंस्पिरेशन मिली होगी, अगर मिली है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वीडियो को अपना प्यारा सा लाइक कर दो और कॉमेंट करके बताओ आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आप क्या टिप्स अपने घर में अपनाते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। क्या आप अपने घर को मंथली ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर फुल मंथ रेडी करने के लिए? नहीं करते हो तो अब करना शुरू कर दो। इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और करती हूँ, मंथ में जस्ट वंस करती हूँ। आपने मेरी डी क्लटरिंग की वीडियो में तो देखा ही होगा कि मैंने ये अपनी ऊपर की जितनी भी स्टोरेज चीज़ें हैं वो मैंने ऑर्गेनाइज़ करी थी, निकाली थी, बट इसमें से काफ़ी वो चीज़ें हैं जो मैंने सालों सालों से यूज़ नहीं करी हैं। सो जैसे कि ये फ़िलिप्स का होम थिएटर, इसको मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है, सो आई एम गोइंग टू डी क्लटर इट और इसको मैं सेल करने जा रही हूँ। इस तरीके से मंथ में अगर आप एक चीज़ भी बड़ी वाली चीज़ अगर अपने घर से निकालते हो ना, आप देखोगे कि आपका घर हल्का होता चलेगा। सो माई पावर हाउसेज, आर यू ऑल डेक्ड अप टू रीसेट योर होम दिस फेब मंथ की स्टार्टिंग में ही? अगर हाँ तो कमेंट करके बताओ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और प्यारा सा लाइक वीडियो को कर दो। अगर ऐसी और वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, होप ये वीडियो आपके लिए इंस्पिरेशनल रही हो।